इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामा OST 2023 ARY से, हरपल जियो से, हम टीवी से। तो 2023 में अभी तक कौन कौन से ऐसे गाने आए हैं OST जो पाकिस्तान में हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मतलब एक गाने का, एक ड्रामे का एक OST होता है। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में यार, वो पूरे ड्रामे की एक कहानी कहता है, उसके पीछे कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जिसको सुनकर हमें लगता है यार इस गाने में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं कौन कौन से हैं और मुझे कौन सा अच्छा लगता है वो मैं बताऊँगा, आपको जो अच्छा लगे वो आप बताना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मुझ में है शख्स वो कह रहा, ये तो गाना यार इंडियन मूवी का है। आज तू पाकिस्तानी OST सुना। तो दोस्तों, आज मैं पाकिस्तानी OST आपको बताऊंगा जो कि हाल ही में लॉन्च हुए हैं। कुछ तो ड्रामे आजकल चल रहे हैं और कुछ ख़त्म हो चुके हैं। ये 5 ऐसे ड्रामे हैं जो बहुत ही सुपर OST रखते थे। मैं ना सिर्फ आपको इन ड्रामों के नाम बताऊंगा, बल्कि आपको इनके OST सिंग करके भी सुनाऊंगा अपनी नाकिस आवाज़ के अंदर, ताकि आप लोग समझ सको कि व्हाट काइंड ऑफ रिदम दे वुड हैव एंड यू माइट लव इट। OST प्ले करके इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि ऑब्वियसली फिर कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए भैया आज आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी से वीडियो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर डैशिंग इंटरेस्टिंग सा रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे जो ड्रामा आता है, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट OST है, दैट्स वाई मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा। आई जस्ट लव इट। ये ड्रामा थोड़ा सा क्रिस्पी है, मसालेदार है, बट इसका OST बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड रहा है, इतनी ज़्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। जिंदगी सियानी नहीं ये कोई जिंदगी सियानी है, कभी ये दिल जला यार मैंने सुना भी नहीं, सुनूंगा। कभी ये दिल बुझा दिया, जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहां वो आशना लगे वहीं वो गैर सा लगे, जहां वो चैन सा लगे वहीं वो जख्म सा लगे। इंटरेस्टिंग बोल तो अच्छे लग रहा है। सीरियसली मैंने शायद इस यानी को OST इतना अच्छा सिंग नहीं किया क्योंकि मेरी इसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी, बट आई एम डैम श्योर अगर आप इसका OST सुनोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगने वाला है। और ड्रामा भी अच्छा खासा लंबा ड्रामा था, बहुत अच्छा लेसन रखता है ये ड्रामा। तो दोस्तों, अगला जो OST में सिंग करने वाला, आई एम डैम श्योर कि ये ड्रामा आपने ज़रूर देखा होगा। अगर ड्रामा नहीं देखा तो लाजमी देखिएगा। और ख़ास तौर पर इसका जो OST था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, स्पेशली राहत फ़तेह अली खान के जितने भी OST होते हैं, आई जस्ट लव दैट। वो तो अच्छे होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट OST फ्रॉम राहत फ़तेह अली खान। और ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल गया था। मोहब्बत कैसी तेरी खुद भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐसौदा कर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने, ये सुना है मैंने। अच्छा है। तेरी खुद गर्जी सुनी ना दिल की एक मर्जी अर्जी, मेरे आंसू न देखे तू तेरी मर्जी, तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, मेरे आंसू न देखे तू ये कैसी तेरी खुद गर्जी। दोस्तों, मैंने ना थोड़ा तोड़ मोड़ के गाना सुना दिया ताकि मेरे को ना कॉपीराइट ना आ जाए लिरिक्स के ऊपर। तो ऐसे में गाना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाना बोले तो OST कमाल का है, पाकिस्तानी OST। भैया, अगर आपने किसी तरीके खुदगर्जी की OST नहीं सुना तो यू वुड डेफिनेटली लव टू लिसन टू दिस। ये अच्छा ड्रामा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक एग्रेशन देखने को मिलता है दानिश तैमूर की तरफ से। एक्टिंग बहुत सुपर्ब है। और ओवरऑल जब भी इस ड्रामे के साथ साथ ये OST चलता था, मुझे मतलब जैसे लाइक कहते हैं ना गूज बम्प आ जाना, तो वो वाली फीलिंग होती थी। तो आई जस्ट लव दिस ड्रामा एंड इंडिया में बहुत ट्रेंड किया था। आप लोगों ने कैसी तेरी खुदगर्जी का OST नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा भैया। तो दोस्तों, अगला जो OST मैं सिंग करने वाला हूँ, ये गाना, ये OST मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इनफैक्ट
ये ड्रामा भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने इस ड्रामे को एटलीस्ट दो दफ़ा तो देख ली है। तो इस ड्रामे का जो ओएसटी था ना, मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट ओएसटी था 2022 की अगर हम बात करें। बट चूंकि ये एक इस तरह की लिस्ट थी, तो यहाँ पर हम इस ओएसटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। तस्वीर मेरे हम सफर बसी यार की, अच्छा था ये सॉफ्ट सा थोड़ा। तेरे प्यार की दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू ही वो दुआ है। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं सताए हुए हैं सताए हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे हमसफर का जो ओएसटी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। मैं अभी तक इस ओएसटी को अक्सर वर्कआउट करते हुए भी सुनता हूँ। ऑल्दो उस टाइम आपको बहुत फास्ट सा म्यूजिक सुनना होता है, बट आई जस्ट लव इट, सो दैट्स व्हाई आई लिसन टू दैट ओवर एंड ओवर अगेन। बहुत अच्छा ओएसटी है, बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत सारे लिस्ट में हमने इंक्लूड किया था। आज ओएसटी की बारी आई तो डेफिनेटली इसको भी हम पीछे नहीं रख सकते थे। आप लोगों को कैसा लगता था मेरे हमसफर का ओएसटी, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अगला जो ओएसटी है ना, वो मतलब किसी भी लाइक तारुफ का मोहताज नहीं है। आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग रहा है, और ख़ास तौर पर ड्रामा तो कुछ ना पूछो, बहुत ही सुपर्ब है। अगर मैं किसी ड्रामे की मिस्टेक्स निकालता ना, तो मतलब आई जस्ट वांट कि अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद ड्रामा ज़्यादा अच्छा लगता, बट दैट डजंट मीन कि मुझे वो ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। तेरे बिन इज समथिंग दैट आई लव टू लिसन इट ओवर एंड ओवर अगेन, और ख़ास तौर पर ड्रामा तो कुछ ना पूछो, बहुत मज़े का। रब्बा है दुहाई लग दुनिया क्यों पराई, करता हूँ वफा तो इसके वॉल्यूम बहुत बढ़िया मिलती है, दिल चीरने वाले बेवफाई। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, चीरेगा दिल जब कोई गम को तब तू जानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में बदले वाला ओएसटी तुझे पल में भुला दूंगा, तोड़ू गरूर ऐसे टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू कैसे, तोड़ू गरूर ऐसे टूटे हो ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू कैसे। सारी दुनिया तुझको दिखेगी रूखी रूखी सी, जैसे कोई शाख फिजा पे सूखी सूखी सी, पत्ते की तरह फिर तुझको नजर में मैं गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना तुझे पल में भुला दूंगा। तो दोस्तों, तेरे बिन का ड्रामा और ओएसटी दोनों एकदम मस्त हैं। आप लोग लाजमी सुनिएगा इसका ओएसटी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ओएसटी है जिसको मैंने रख दिया नंबर फर्स्ट पे, और मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ओएसटी एटलीस्ट मैंने इस साल में फिलहाल जितने भी ड्रामे लॉन्च हुए हैं मैंने नहीं सुना। बहुत ही कमाल का सुपर ओएसटी है, इसके ऊपर बेतहाशा टिकटॉक्स बन चुकी हैं और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसको। इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसको एक ऐसे कहानी सुनो मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो अपने पहले ही सॉन्ग से शायद बहुत ज्यादा फेमस हो गए। समझ गया दोस्तों, मुझे इस ओएसटी की ये लाइंस जो बहुत मुझे प्यार हुआ था, दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत, ये एक नंबर के लायक है, मैं कितना फसाना हुआ इंडिया में बहुत वायरल है। तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ।
हुआ सदाए सुनो जफाए सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए तेरी ले सिंपली बहुत तगड़ा गाना है तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें तुझे अपना बनाए नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ तेरी आंखों में बसता है मेरा जहाँ कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा दुआएं सुनो सदाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। दोस्तों ये जो OST ना मतलब इसका ना कोई जोड़ नहीं है फिलहाल और आई एम श्योर कि किसी जमाने में जैसे दो बोल का OST बहुत ज्यादा वायरल किया था इस तरह ये OST वायरल हो चुका है। आई एम डैम श्योर कि आपको इसका OST बहुत पसंद होगा। ये ड्रामा है मुझे प्यार हुआ था, यहाँ पर OST का नाम भी ये है और बहुत अच्छे टैलेंटेड सिंगर ने गाया है। मैंने तो मतलब इनका ये पहले और मैं मतलब लाइक इनका अपना था ये दे तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ऐसे पांच OST जो के बहुत ही सुपर जबरदस्त है आज के दौर में सुनने के लिए। इसके अलावा किस ड्रामे का OST बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा है आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताया। नंबर वन पर मैं अग्री करता हूँ, उस गाने को रहना चाहिए। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल और रील्स बहुत ज़्यादा बन रही है। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा, जब मैं स्क्रॉल करता हूँ इंस्टाग्राम पर तो बहुत ज़्यादा रील्स मुझे इसके ऊपर देखने को मिलती हैं। मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसका जो नाम है ओरिजिनल जो गाना है उसका नाम कुछ और था, कहानी सुनो, कहानी सुनो 2.0 कर उन्होंने रिलीज़ किया था कैफी खलील ने, फिर उसको दे दिया मुझे प्यार हुआ ड्रामा बना, फिर उसमें मुझे प्यार हुआ नाम से ये गाना OST बनाकर डाल दिया गया, जबकि पहले का गाना है ये। तो बहुत ज़बरदस्त गाना है और फेमस है, तगड़ा है, तो एक नंबर इसको मिलना चाहिए, मतलब एक नंबर पर इसे रहना ही चाहिए। दूसरी बात करें तेरे बिन का, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप का थोड़ा सा OST है कि मैं तुझे करके दिखा दूंगा, बेवफाई क्या होती है मुझे, मैं तुझे करके दिखाऊंगा, तो वो OST भी मुझे सही है, दो नंबर पर लगता है। बाकी सियानी का OST मैंने सुना नहीं है, बोल अच्छे लग रहे हैं, मैं उसको सुनूंगा, बाकी सारे मुझे सुने हुए थे इसमें तो अच्छे हैं। OST तो हमेशा तारीफ़ करनी पड़ेगी भाई, पाकिस्तान जैसे टक्कर के नहीं बनते, पूरे सीरियल में पूरे ड्रामा में जो है वो OST बीच बीच में बजते रहते हैं और बड़े ही तगड़े, मतलब ये तो नए हैं, पुराने अगर देखो तो मन मायल का OST जो है वो रुला देता है जब भी उसके बोल हम सुनते हैं, तो कुछ ऐसे OST हैं जो दिमाग में बस जाते हैं और जब भी उनको सुनो तो इमोशनल हो जाते हैं। सो ऐसे ही कोई OST आप अपना बताना चाहें तो सबसे ऑल टाइम फेवरेट भी बता दीजिए और इनमें से कौन सा ज़्यादा फेवरेट है वो आप बता सकते हैं 2023 की लिस्ट में। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।